ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का सोमवार शाम गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। वे पिछले 7 महीने से वेंटिलेटर पर थे। 72 साल के मास्टर भंवरलाल मेघवाल राजस्थान के दिग्गज दलित नेता माने जाते थे। मेघवाल पिछले करीब 41 साल से राजनीति में सक्रिय थे। कांग्रेस के दिग्गज दलित नेता के रूप में उनकी पहचान थी। मास्टर भंवरलाल मेघवाल के साथ राजनीति में एक अजब संयोग जुड़ा हुआ था, वो यह है कि वे एक विधानसभा चुनाव हारते थे और इसके बाद अगला जीतते थे। सुजानगढ़ से विधायक रहे मेघवाल गहलोत सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं आपदा राहत प्रबंधन विभाग का जिम्मा संभाल रहे थे। एक सरकारी अध्यापक से प्रदेश के मंत्री बनने तक का उनका राजनीतिक सफर काफी मायनों में रोचक रहा। भंवरलाल मेघवाल का जन्म सुजानगढ़ तहसील के गाँव बागसरा पूर्वी में 2 जुलाई 1948 को हुआ। उनके पिता का नाम चुनीराम मेघवाल, माता का नाम रुक्मणी देवी था। मेघवाल की प्रारंभिक शिक्षा निकटवर्ती गांव खींचीवाल के स्कूल से हुई। हायर सेकेंडरी तक पढ़ने के बाद 1968 में शिक्षक बने और उसके बाद एसटीसी भी कर ली। 1970 से 1977 तक 7 साल उन्होंने सुजानगढ़ के नयाबास स्थित राजकीय झंवर स्कूल में अध्यापन का कार्य किया। इसी दौरान वे मास्टर भंवरलाल मेघवाल के नाम से प्रसिद्ध हुए। वर्ष 1977 में शिक्षक की नौकरी से इस्तीफा देकर भंवरलाल मेघवाल ने इसी साल विधानसभा चुनाव में भाग्य आजमाया। मेघवाल पहली बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन उनको हार का मुंह देखना पड़ा। 1980 के बाद उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़कर विजयी हुए, जिसके बाद वे कांग्रेस में शामिल हो गए और उसके बाद राजनीति में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद मेघवाल के साथ चुनावी हार जीत लगी रही। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से मेघवाल 1980, 1990, 1998, 2008, 2018 में विधायक चुने गए। मेघवाल राजस्थान सरकार में श्रम एवं रोजगार मंत्री, शिक्षा मंत्री भी रहे। कारागार विभाग, पंचायती राज विभाग और इंदिरा गांधी नहर मंत्री के तौर पर भी राजस्थान सरकार में उन्होंने काम किया। चूरू जिले के सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने 10 बार चुनाव लड़ा। इनमें वे 5 बार चुनाव जीते और 5 बार चुनाव हार गए। पिछली बार अशोक गहलोत की सरकार में कर्मचारियों व तबादलों पर राजनीतिक बयानों की वजह से चर्चित रहे भंवरलाल मेघवाल शिक्षा मंत्री पद का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर सके थे। जयपुर में 13 मई की रात को मास्टर भंवरलाल मेघवाल अपने निजी आवास पर थे। इसी दौरान वे चक्कर खाकर गिर पड़े। उनकी बेटी बनारसी व अन्य परिजनों ने तत्काल मास्टर भंवरलाल को मानसरोवर में साकेत अस्पताल पहुंचाया। वहां चेकअप के बाद भंवरलाल को एसएमएस अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया था कि मास्टर भंवरलाल को ब्रेन हेमरेज होने से शरीर के दाहिने हिस्से में पैरालिसिस अटैक आया था। यहां मेघवाल के उपचार के लिए 7 विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम गठित भी की गई। इसके बाद एयर एम्बुलेंस से मेघवाल को मेदांता अस्पताल भेजा गया। तब से वह वेंटिलेटर पर उपचाराधीन थे। इसी बीच 29 अक्टूबर को मास्टर भंवरलाल की बेटी बनारसी देवी का निधन हो गया। मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन के चलते 17 नवंबर को प्रदेश में राजकीय अवकाश घोषित किया गया है। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। इस वही मेघवाल के निधन के बाद सियासी जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत तमाम दिग्गजों ने दिवंगत नेता को याद कर शोक प्रकट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल जी के निधन से दुखी हूँ। वह एक अनुभवी नेता थे जो राजस्थान की सेवा करने के बारे में भावुक थे। दुख की इस घड़ी में उनके परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मेघवाल के पुत्र मनोज मेघवाल को फोन कर संवेदना जताई है। साथ ही गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, लंबी बीमारी के बाद अपने मंत्री सहयोगी भंवरलाल मेघवाल जी के निधन पर गहरा दुख हुआ है। हम 1980 से एक साथ हैं। इस सबसे कठिन समय में उनके परिवार के सदस्यों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। ईश्वर उन्हें शक्ति प्रदान करे। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने गहरी संवेदना जताई है। पायलट ने कहा कि राजमंत्री श्री मेघवाल जी के निधन की दुखद खबर से स्तब्ध हूँ। मास्टर जी कहे जाने वाले मेघवाल सन 1977 से चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस के एक मजबूत दलित चेहरा थे। श्री मेघवाल ने 5 साल तक पीसीसी में मेरे साथ उपाध्यक्ष के रूप में पूरे सम्मान के साथ काम किया और 2018 में हमारी सरकार की वापसी के लिए उनके साथ मिलकर काम किया। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।